पानी का मजा लेंगे भाई। So hi everyone, welcome to my channel and you're watching Shahid DCP. बारिश चालू हो गई है भाई, बारिश की वजह से तो अभी मुझे GoPro का चेंज करना ही पड़ेगा। बारिश तेज हो रही है यार। बहुत टाइम बाद जो है इस हाईवे पे निकला हूँ, क्योंकि 3 महीना पहले हम केरला से आए थे मैं और शाकिब। इसके बाद में जो है बाइक हाईवे पे निकली नहीं है बारिश की वजह से, तो आज मैं निकला हूँ निंजा के सेकंड सर्विस के लिए, जो कि कराने वाला हो एंजन कावासाकी पे जो है जोगेश अड्डे में, क्योंकि शाकिब फर्स्ट सर्विस भी एंजन से ही कराया था, इसके लिए मैं सेकंड सर्विस भी एंजन कावासाकी से ही करा रहा हूँ। और ये जो सेकंड सर्विस जो है वो 5500 पे करा रहा हूँ, क्योंकि 6 मंथ हो चुका है, नहीं तो 6 मंथ में या तो 6000 में कराना था या तो 6 मंथ में, तो 6 मंथ में पूरा 6000 तो नहीं हुआ लेकिन 6 मंथ हो चुका है। तो अभी सीधा ले चलता हूँ कावासाकी के शोरूम में। गया हूँ अब इसी जगह पे, या कैमरा बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या है ना, चेकिंग रहती है, किसको पकड़ता है किसको छोड़ता है। और एक अपने मामू लोग खड़े हैं भाई, भारत सरकार खड़ी है भाई, चेकिंग मजबूत है भाई। Secret place.
to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more just waiting for you. हमारी सेकंड सर्विस भी हो चुकी है, आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर आई कि नहीं, और घर पे पहुंचने के बाद में मैं आपको डिटेल दे दूंगा। तो ऐसे करके जो है निंजा की सेकंड सर्विस भी हो गई है, और निंजा का जो सेकंड सर्विस कॉस्ट आया है वो है 26,550। मतलब शाकिब हाथी ले लिए, बाइक नहीं लिया। बोलते ना हाथी लेना जो है बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाथी को पालना बड़ी बात है। और वैसे भी मुझे एक कमेंट आया था निंजा पे, वो था यू आर नाउ इन ए ट्रैप ऑफ कावासाकी, वेट एंड सी हाउ यूअर ओनरशिप विल कॉस्ट यूअर किडनी। सही बात है भाई, अगर ये बाइक अगर मेरी रहती तो मुझे हर सर्विस पे कुछ ना कुछ बेचना पड़ता, लेकिन ये भाई की बाइक है तो उसको ऐसा कुछ कराना नहीं पड़ेगा। और ये बिल जो है 26,000 नहीं आए हैं, बिल आया है 2,655। तो बात रही अब निंजा की, तो जो सर्विस कॉस्ट जो आया है वो सब सेटिंग का आया है, और इस बार जो है ऑयल चेंजिंग नहीं हुई है, क्योंकि ऑयल चेंजिंग होगी थर्ड सर्विस पे, जो है थर्ड सर्विस 11,000 पे, और 11,000 नहीं तो 6 मंथ। इस बार भी 6,000 पे कराना था, लेकिन 6,000 हुआ नहीं, तो 6 मंथ में हमने करा लिया, और 6 मंथ में हुआ है 5,500। और अगली सर्विस जो है वो 11,000 पे या तो 6 मंथ। अभी 11,000 तो होने से रहा, क्योंकि बाइक मैं जो है अभी चला भी नहीं रहा हूँ, और कोई लॉन्ग राइड भी है ही नहीं, और ख़ास करके बारिश की वजह से बाइक मैं निकाल नहीं रहा हूँ। तो और रोड भी माशाल्लाह है, भिवंडी का रोड तो पूछो मत, भिवंडी का रोड तो मैं कई बार आपको वीडियो में दिखा भी दिया हूँ, तो भिवंडी में भी चलाने लायक करनी है। तो इससे अच्छा है कि वो एक जगह सेफ जगह खड़े रहे, वही बेहतर रहेगा, और कोई लॉन्ग राइड रहेगा तब निकालूंगा, नहीं तो फिर वो खड़ी रहेगी, या तो फिर शाकिब आने के बाद ही कुछ हो सकता है लॉन्ग राइड। तो ये जो बिल जो आया है 2,655, निंजा के हिसाब से ठीक ही आया है, तो इसमें कुछ पार्ट्स रिप्लेसमेंट हुआ नहीं है, जो भी हुआ है सेटिंग का हुआ है,
जैसे कि चैन लूप हुआ है या तो फिर क्लच एडजस्टमेंट और कूलेंट कम था, कूलेंट को फिल किया गया है और बाकी सब एडजस्टमेंट ही है, जैसे कि डिस्क पैड जो है फ्रंट और रियर डिस्क पैड जो क्लीन किया गया है। तो ये था सेकंड सर्विस वीडियो, अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बारिश ख़त्म होने के बाद हो सकता है कि मैं निंजा राइड करूँगा तो वीडियो भी आ जाएगी। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलता हूँ मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए। तो अब जा रहा हूँ निंजा को बोर्ड बनाने, एक बार तो एनएस को बोर्ड बना चुका हूँ और उसके फ़ायदे भी बहुत मिल चुके हैं, अब बारी है निंजा को बोर्ड बनाने की, देखते हैं निंजा बोर्ड बनती है कि नहीं। पानी का मजा लेंगे भाई।